हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉच एवरीथिंग में। आज के इस नए वीडियो में आज के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपका जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे कुछ वीडियोस पे येलो डॉलर आ रहा है तो वो कैसे हटाए, मतलब येलो डॉलर से आप ग्रीन डॉलर में कैसे कन्वर्ट हो सकते हो ताकि आपकी जो अर्निंग्स है वो चालू हो जाए। मैंने अभी फ़िलहाल ही मेरे यूट्यूब चैनल का जब भी मोनेटाइजेशन हुआ था तो कुछ वीडियोज़ पे येलो डॉलर साइन दिखा रहा था, तो मैंने उसमें डीप में जाके देखा तो वहाँ पे डायरेक्टली नोटिफिकेशन आया था कि आपका जो ये वीडियो है कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, आपको बस दो काम करने पड़ेंगे, उससे आपका जो येलो डॉलर जो साइन है वो ग्रीन डॉलर में चेंज हो जाएगा, मतलब आपके वीडियोज़ के ऊपर एड्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको पहला चीज़ एक काम करना है दोस्तों कि अगर आपने जो वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे वो येलो डॉलर साइन दिखा रहा है वहाँ पे आपको देखना है कि आपने आपके वीडियो में कहाँ पे हैक और स्कैम रिलेटेड जो मतलब फ्री का हैकिंग ट्रिक्स वगैरह ऐसे कुछ टैग्स डिस्क्रिप्शंस और टाइटल में लिखे होंगे कुछ वर्ड्स, तो आपको उसको हटा देना चाहिए ताकि आपका जो येलो डॉलर है वो ग्रीन डॉलर में चेंज हो जाएगा। ये हुई पहली चीज़। और आपको दूसरा, सपोज आपने ये फर्स्ट ट्रिक के बावजूद भी आपका जो येलो डॉलर है वो साइन हटता नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो वीडियो है उसको YouTube स्टूडियो में लेके जाना पड़ेगा। YouTube स्टूडियो में जाने के बाद वो वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको मोनेटाइजेशन का एक डॉलर जैसा साइन रहेगा वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बाजू में क्लिक करना है जहाँ पर लिखा गया है कि आप ह्यूमन रिव्यू के लिए आपको फिर से वो आपका जो चैनल है उसको अप्लाई करना है। तो ताकि क्या करेगी, यूट्यूब की जो टीम है वो वीडियो को मैन्युअली देखेगी और उसके बाद आप वो डिसीजन लेंगे कि आपका जो वीडियो है उसको ग्रीन डॉलर में चेंज करना है या नहीं करना है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैंने जो सेकंड स्टेप बताया उसको आसानी से हम लोग देख सकते। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपके क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपका जो यूट्यूब का चैनल रहेगा आप उसको ओपन करेंगे। अभी उसको ओपन करने के बाद मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ दोस्तों, मतलब आपके पूरे ध्यान में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे वीडियोज़ है यहाँ पे जो बाजू में मोनेटाइजेशन का साइन है, मैं अभी आपको झूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सब जगह पे मोनेटाइजेशन का साइन है, एनेबल है, पर एक जगह पे मतलब है वो येलो डॉलर है। तो आपको सिंपल सा काम करना है, ये देखिए, आपको उस वीडियो पे ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो ठीक से है या नहीं है। और उसके बाद आप ये वीडियो को थोड़ा सा ओपन कर देंगे। ये वीडियो को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन वगैरह सब आ गए तो यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है ये देखिए, ये मैंने बोला था वीडियो में स्टार्टिंग में कि यहाँ पे एक नीचे डॉलर का ऑप्शन है, उस डॉलर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये पेज शो हो जाएगा दोस्तों, वीडियो मोनेटाइजेशन। मतलब हम लोग इंडिविजुअल वीडियो में गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मोनेटाइजेशन लिमिटेड है तो यहाँ पे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है रिक्वेस्ट रिव्यू, मतलब आपका जो रिव्यू है वो मैन्युअली हो जाएगा। वहाँ पे उन्होंने बोला है कि उनके जो यूट्यूबर्स के जो एग्जीक्यूटिव है वो ह्यूमन रिव्यू करेंगे इस वीडियो के ऊपर कि ये वीडियो सच में कुछ हैकिंग के रिलेटेड तो नहीं है ना। तो आपको बस यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है और आपको बैक चले जाना है, मतलब ये वीडियो फिर से मैनुअल रिव्यू के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों यही इसी तरह आप सेकंड चीज़ में भी, सेकंड टाइप में भी आप अप्लाई कर सकते हो रिक्वेस्ट रिव्यू करके। तो आपका जो वीडियो है वो अगर सही होगा तो मतलब हैकिंग के रिलेटेड नहीं होगा, कोई यूट्यूब की पॉलिसीज को ये नहीं कर रहा होगा, मतलब वायलेट नहीं कर रहा होगा, तो सिंपल सी चीज़ है कि वो मोनेटाइज हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे आपके दोस्तों के साथ शेयर करके हमें कमेंट में भी ये वीडियो कैसा लगा ये बता सकते हैं दोस्तों।